विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माई सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच कि मेरे सब्सक्राइबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं और मुझे ना सही में बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स भी आ रही है क्योंकि मेरा व्यूज़ भी आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस दिवाली पर क्या करने वाले हो? और मैं तो काफ़ी हैप्पी हूँ, तो मैं ना कुछ करने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ? दिवाली पर हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी छुट्टी हमारी गुजरात में होती है, जैसे कि कॉलेज स्कूल वगैरह 21 डेज के लिए बंद होते हैं और 28 या कोई कहीं कहीं 18 डेज के लिए बंद होते हैं। तो फाइनली 21 डेज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, 28 डेज हम इंजॉय करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप कितने दिन इंजॉय करने वाले हैं? और हाँ, आपने दिवाली की कितनी तैयारी की? मैंने तो बहुत सारी तैयारी की है, मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर डीएस भी लेके रखे हुए हैं दीपक के लिए, क्योंकि फाइनली आई थिंक सो कि हमें कैंडल या कोई और चाइनीज आइटम यूज़ नहीं करना चाहिए, बस हमें मिट्टी के यूज़ करने चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मिट्टी का दिया लिया हुआ है। आप इसे अगर कलर करेंगे तो इस तरीके से डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के दिए को अपने घर पे और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं डिज़ाइनिंग करके, स्टोन्स वगैरह लगा के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुंदर सी साड़ी है, जो कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जरा सा मुस्कुरा लेना दिवाली से पहले, जरा सा मुस्कुरा लेना दिवाली से पहले, हर गम को भुला देना दिवाली से पहले, हर गम को भुला देना दिवाली से पहले। ना सोचो कि किस किस ने आपका दिल दुखाया, ना सोचो कि किस किस ने आपका